आप लोगों से ये क्वेश्चन है मेरा, चैप्टर कौन सा चल रहा था मेरा? लॉ एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर वन ये है कि आप क्या हो, एक फार्मर करो, और आप क्या हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर। यू आर ए फार्म वर्कर, कौन है फार्म वर्कर? और कंस्ट्रक्शन वर्कर? क्या आपको मिनिमम वेजेस मिल रही है? तो डिफाइन करो, मुझे बताओ पहले मिनिमम वेजेस क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस क्या होती है बताओ। मिनिमम वेजेस का मतलब ये है कि कम से कम मजदूरी। एक कोई गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है कि मतलब कि कोई 50 रुपए है तो उससे कम नहीं होनी चाहिए, कि उसको जो भी करे उससे कम मजदूरी से नहीं मिलेगी। ये होता है मिनिमम वेजेस। तुम बताओ क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करने के लिए क्या कोई लॉ बना रखी है? बताओ। गवर्नमेंट द्वारा मिनिमम वेजेस लोगों को देने के लिए बहुत एक्ट बनाए हैं, जैसे कि अब अगर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर वर्क कर रहा है उसको मिनिमम वेजेस नहीं दिए जा रहे तो एक लिमिट बना दी जाती है कि आप इससे कम उसको नहीं दे सकते। इनसे पूछो क्या इसने सही बोला है, आंसर सही रिप्लाई किया इसने? बच्चों जो आयुष ने आंसर दिया कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस के लिए जो कानून बना रखे हैं, क्या आप इनसे सहमत हो आयुष से? बताओ कोई एक बच्चा खड़ा होके जिसको आता हो, दोनों मापा नहीं, यही यही इशू, यही रहो। बताओ कोई बच्चा, रुको रुको। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस लोगों को देने के लिए लॉ बनाया है 1984 के एक्ट ने, जिसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंतर्गत ये इन्फोर्समेंट एंड सेफ्टी लॉज बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो भाई, कह रहा है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मतलब क्या होता है? वातावरण, आपके आसपास का वातावरण है, ठीक है। तो आपके जो आसपास का जो एनवायरमेंट है उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, ठीक है, उसके क्या क्या कारण है। तो आपके आसपास के जो एनवायरमेंट में पानी होता है, वाटर होता है, सॉइल होता है, मिट्टी होती है ना, तो सबसे पहले बताओ वाटर में पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। वाटर जो है वो ऐसे भी पॉल्यूशन होता है क्योंकि जब फैक्ट्री वगैरह होती है अगर ज़्यादा पॉल्यूशन करती है तो उससे पानी बहुत खराब होता है जो पीने लायक नहीं है। अच्छा,